हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित शर्मा आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो स्पेशली इंडियन हाउसवाइफ्स के लिए बनाया गया है। बट इससे आप उदास ना हो, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो सभी को फायदा देगा, उतना ही फायदा देगा जितना कि इंडियन हाउसवाइफ्स को देगा। इसलिए आप बिल्कुल भी निराश ना हो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंडियन हाउसवाइफ्स जो सेविंग करने में माहिर होती हैं, और ये बात जग जाहिर है कि अगर उनके पास कुछ भी पैसा आता है तो उसमें कुछ ना कुछ वो सेविंग जरूर से जरूर करती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो उस सेविंग का अच्छे से फायदा नहीं उठा पाती हैं, उसको बढ़ा नहीं पाती, मल्टीप्लाई नहीं कर पाती। तो मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट आइडियाज दूंगा जिससे आपका जो पैसा जो सेविंग है वो एक गुना दो गुना नहीं मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा। और हम सभी ये जानते हैं कि इंडियन हाउसवाइफ में जो पेशेंस है, इंडियन हाउसवाइफ क्या भारतीय नारी में जो पेशेंस है वो शायद कहीं किसी भी कंट्री के किसी भी वुमेन में नहीं है, तो भारतीय महिलाओं में सबसे ज्यादा पेशेंस है। और जो शेयर मार्केट है वो उन्हीं के लिए बना है जिनके पास पेशेंस है। तो शेयर मार्केट आपका बार बार पेशेंस टेस्ट करता है, और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय नारी में इतना पेशेंस है कि उस पेशेंस के टेस्ट में हमेशा खरा उतरेंगे। तो मैं आपको आगे ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है और अपने बचाए हुए पैसे को मल्टीप्लाई करना है तो आपको अपना नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है हर किसी भी चीज को देखने का नजरिया। आपके सामने सुबह से शाम तक जो जो बातें होती हैं उसको आज से आप जिस तरह से देखती हैं उस तरह से बिल्कुल ही नहीं देखना है, आपको अपना नजरिया बदलना है। तो आप नजरिया बदलेंगे कैसे ये मैं आगे बताने वाला हूं कि आप जब भी ग्रोसरी से आइटम लाते हैं तो आप ये करते हैं कि ग्रोसरी से आइटम लाया, उसके पैकेट को फाड़ा, अपने घर के डब्बे में उसे बंद किया और उस पैकेट को एक डस्टबिन में फेंक दिया। आपको अब ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको डस्टबिन में फेंकने से पहले उस पैकेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी है। एटलीस्ट ये पढ़ना है कि वो जो प्रोडक्ट आपने अपने घर के डब्बे में डाला है वो कौन सी कंपनी बनाती है। तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि ऐसा आप करके कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप अपने घर के लिए दाल और मसाले खरीदते हैं, और ये टाटा संपन्न के मसाले और दाल काफी अच्छे होते हैं। मुझे लगता है आजकल मैक्सिमम हाउस होल्ड के घर में ये आता है। तो आपको पता है कि टाटा के दाल और मसाले कौन बनाता है? ये बनाता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी कंपनी है कि पिछले कुछ महीनों में तो इसने कितना ज्यादा रिटर्न दे दिया। ये कंटिन्यूअस ग्रोइंग कंपनी है, और आप अगर इसमें कुछ सालों तक 3 साल 4 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको अपने पैसे का एक गुना नहीं कई गुना मिल जाएगा। ऐसे ही आप मार्केट से चावल खरीद कर लाते हैं, आपको इंडिया गेट का चावल बहुत पसंद है जो वाकई उसका बासमती चावल काफी अच्छा टेस्टफुल होता है। तो इंडिया गेट की जो ब्रांड को बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है KRBL लिमिटेड, और KRBL लिमिटेड के ब्रांड्स आप देखिए, इंडिया गेट, दून, नूर जहां, इंडियन फार, बेमिसाल, अराती, यूनिटी, लोटस, ऐसे कितने सारे चावल के ब्रांड आते हैं जो आपको शायद पता भी नहीं। और ये KRBL लिस्टेड कंपनी है, और ये भी बहुत पुरानी और बहुत रिटर्न देने वाली कंपनी है। अब मैं बात करता हूँ ITC के बारे में। ITC का ब्रांड भी हम लोग हर घर में यूज करते हैं। सबसे इसका पॉपुलर ब्रांड है वो है आशीर्वाद आटा, जो हमारे मुझे लगता है हर घर में कभी ना कभी ये आशीर्वाद आटा जरूर आता है। और इसके जो ब्रांड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। घी है, आजकल तो इसका दूध भी आने लगा है, ऑर्गेनिक आटा भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है, फिर बिस्किट्स, डार्क फैंटेसी, बाउंस, बिंगोज, और ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट हैं आप देख लीजिए, इसके फोटो देखते ही आप समझ जाएंगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। जूस, मिंटो फ्रेश, ऐसे कितने सारे ब्रांड है जिसके बारे में हम लोग कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये कौन सी कंपनी बनाती है। तो ITC कुछ दिनों से एक काफी रेंज में फंसा हुआ था इसका शेयर,
काफी दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा था, बट पिछले एक दो सेशन में ही इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है और ये काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। उसी तरह हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो मुझे लगता है इसके प्रोडक्ट को हम लोग हर घर में इस्तेमाल करते हैं। मैं इसके प्रोडक्ट का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, आप काइंडली इसको देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसके कितने सारे ब्रांड हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि हम लोग हिंदुस्तान लीवर के जो प्रोडक्ट है उसमें एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम, जिसके आइसक्रीम को हम लोग गर्मियों में रोज खाते हैं और खाकर भूल भी जाते हैं कि ये किसने बनाया है। तो हम लोग जो खाकर पैसा को खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर कमा सकते हैं। और आपका जो फैशन है, आप कपड़े पहनते हैं, फैशन करते हैं और फिर कुछ पता नहीं रहता ये जो ब्रांड है वो कौन सी कंपनी बनाती है। तो अरविंद लिमिटेड, अरविंद लिमिटेड का ही एक ग्रुप है अरविंद फैशन, इसका ये इसके सारे ब्रांड हैं, एरो, फ्लाइंग मशीन, यूएस पोलो, सीके, सिफोरा, प्लेस, हेंस, टॉमी हिल्फिगर, गैंट, एड हार्डी, ये सारे ब्रांड इसके ही हैं। तो आपको बस ध्यान देना है, और ये कंपनी लिस्टेड है और अभी इसके इस कंपनी के लिए तो एक बहुत बड़ा टिगर है कि पीएलआई स्कीम टेक्सटाइल कंपनीज के लिए सरकार ने जारी कर दी है और इसका फायदा इन्हें बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप इसमें कुछ सालों के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका जो पैसा है वो कई गुना हो जाएगा। अब आती है ज्वेलरी की बात, फैशन एक्सेसरीज की बात, जिसमें वॉच है, परफ्यूम्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट हैं वो टाइटन बनाता है। और टाइटन तो पिछले कुछ सालों से ये भी कई कई गुना बढ़ चुका है और काफी रिटर्न आ चुका है इसमें। तो बहुत बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला का साहब का भी स्टेक है। तो ये आप देखिए इसके भी कितने अच्छे अच्छे ब्रांड हैं जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आपको अपना नजरिया बदलना है। हाँ, पर इसके बाद आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर मैं इन पैसों को कैसे इन्वेस्ट करूं, कहाँ करूं, कब करूं, इसका क्या होगा। तो इसके लिए कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस जवाब के लिए मैं यहां बैठा हूं। और आप मुझे कमेंट में लिखिए आपको क्या जानना है, मैं आपके हर बात, हर सवाल का उत्तर दूंगा। आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या जानना है। मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर दूंगा और आपको ये कन्विक्शन हो जाएगा कि मुझे किस शेयर में इन्वेस्ट करना है। और मेरी आपसे सारे लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरे वीडियो से आप टाइमली फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।